एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने आगामी दिवाली पर्व पर कहा कि धनतेरस, दिवाली व छठ पूजा को संपन्न कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर लिया गया है और सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर निगरानी करें। जो मुख्य रूप से बाजार है और जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, वहाँ पर महिला पुलिस के साथ सिविल पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। यदि कहीं पर कोई घटना होती है तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करे, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, त्यौहार धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए, हर्षोल्लास के माहौल और सौहार्द के माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक बैठक करके उनको उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार पुलिस की प्रेजेंस, पुलिस की मोबिलिटी और पब्लिक के साथ समन्वय को और बढ़ाया जाए। जो मुख्य रूप से बाज़ार हैं, मार्केट हैं, या जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, विशेष रूप से महिलाओं का आवागमन रहता है, वहाँ पर महिला पुलिस के साथ साथ बाकी सिविल पुलिस भी वहाँ पर नियुक्त की जाए। रात्रि के समय पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों को चेक करने के लिए लगातार पैकेट लगाकर चेकिंग भी लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बताया गया है, और अगर कहीं पर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो तत्काल उसके ऊपर पुलिस द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाए, किसी भी विवाद को या किसी भी घटना को बढ़ने ना दिया जाए, और कोई ऐसी घटना होती है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए।